हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, आजकल जो है ना वो कर्व डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन काफी ज्यादा लॉन्च किए जा रहे हैं इंडिया मार्केट में। और आईक्यू जो है काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के लिए, क्योंकि काफी तगड़े स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। और 31 अगस्त को आईक्यू Z7 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है कर्व डिस्प्ले के साथ में, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर होता है। और उसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा कमेंट भी आ रही थी कि क्या स्मार्टफोन सही रहेगा एंड इसकी क्या प्राइस होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में आज का कंपैरिजन करने वाला हूँ इन्फिनिक्स के 030 5G स्मार्टफोन के साथ में, क्योंकि इन्फिनिक्स भी एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन कर्व डिस्प्ले के साथ में लॉन्च करने जा रहा है अगले महीने, यानी कि 2 सितंबर को। तो उसी के साथ में आज इसका हम डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन काफी तगड़ी वैल्यू आपको ऑफर करते हैं, बट आप मिस्टेक ना करो, दोनों में से एक स्मार्टफोन चूज करने में, उसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो मैं देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले स्मार्टफोन के बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो डिजाइन वाइज दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन काफी तगड़े रहने वाले हैं, क्योंकि कर्व डिस्प्ले दोनों ही स्मार्टफोन में मिल जाएंगे। बट अगर आपको चाहिए वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन, तो आप डेफिनेटली इन्फिनिक्स की तरफ जाना, क्योंकि इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा बेटर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। क्यों मैंने ऐसा कहा आगे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर हम आईक्यू की बात करें तो आईक्यू के अंदर में आपको देखने को मिलेगा 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिलेगा। एंड कोरोनिंग के ग्लास 5 की प्रोडक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 10-bit कलर ये डिस्प्ले होने वाला है। यहाँ पर आपको काफी अच्छा कलर जो है वो देखने को मिल जाएगा, काफी पंची कलर यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन काफी सही रहेगा डिस्प्ले वाइज। बाकी मैंने क्यों कहा था कि यहाँ पर इन्फिनिक्स तरफ आपको जाना चाहिए अगर आपको बेस्ट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो दोस्तों इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जहां पर आपको दोस्तों 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो वो देखने को मिलने वाला है। 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की वजह से काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहां पर भी आपको 10-bit कलर डिस्प्ले जो वो देखने को मिलने वाला है, तो कलर वगैरह यहां पर भी आपको काफी पंची देखने को मिल जाएंगे। तो इस डिस्प्ले वाइज इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर इन्फिनिक्स आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, कोरोना के ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर हम बात करें पीछे की तरफ डिजाइन की, तो डिजाइन वाइज भी यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन ज्यादा बेटर देखने को मिलने वाला है। उसमें की भी एक कारण है, यहाँ पर आगे आपको पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले आईक्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पर आईक्यू के स्मार्टफोन में आपको दोस्तों प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ आईक्यू की ब्रांडिंग एंड डुअल रियर कैमरा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जो प्राइमरी कैमरा होगा दोस्तों, वहां पर आपको जो कैमरा देखने को मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का होगा। एंड OIS का सपोर्ट यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा कैमरा के अंदर में। और इसी के साथ में यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल डिजाइन वाइज यहाँ पर आपको ठीक ठाक सा देखने को मिल जाता है, क्योंकि प्लास्टिक का डिजाइन दिया गया, तो यहाँ पर इतना खास प्रीमियम लुक आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। हालांकि जो डिजाइन है ना वो देखने में काफी अच्छा लगता है। और दो कलर में यहाँ पर IQ Z7 Pro लॉन्च होने वाला है, ग्रीन एंड यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलने वाला है। बाकी इन्फिनिक्स 030 की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको टोटल जो वो 3 कलर में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक डिजाइन जो उसका वीगन लेदर के साथ में आने वाला है, जिसकी वजह से थोड़ा और प्रीमियम लुक आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आपको दोस्तों प्लास्टिक का जो फ्रेम देखने को मिल जाएगा। एंड कमाल की बात दोस्तों ये कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप। यहाँ पर जो आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा दोस्तों, वो 108 मेगापिक्सल का होने वाला है। और यहाँ पर भी आपको OIS का सपोर्ट मिल जाएगा एंड 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको कैमरा में भी एक एडवांटेज देखने को मिल जाती है इन्फिनिक्स की तरफ से, कि 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड दिया गया है, जो कि यहाँ पर IQ Z7 Pro स्मार्टफोन में मिसिंग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली कैमरा के मामले में भी IQ की तरफ जा सकते, सॉरी इन्फिनिक्स की तरफ जा सकते हैं। एंड कमाल की बात दोस्तों यह है कि इन्फिनिक्स में आपको 50 मेगापिक्सल का आई फोकस कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 60 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगा। तो व्लॉगिंग वगैरह के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन रहने वाला है इन्फिनिक्स 030, जबकि IQ Z7 Pro स्मार्टफोन आपको सिर्फ और सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब ये तो बात हो गई स्पेसिफिक की, अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको एक्चुअल में बेटर परफॉर्मेंस निकाल करके देने वाला है। तो यहाँ पर IQ ने ऑफिशियली टीज कर दिया कि यहाँ पर IQ Z7 Pro स्मार्टफोन आपको MediaTek का WT7200 वाला जो प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसका एंटीट्यूड स्कोर 7 लाख प्लस आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अपने आप में एक काफी अच्छी बात है। और बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन 2500 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आने वाला है, तो काफी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर इन्फिनिक्स में इससे भी बेटर आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी, क्योंकि इन्फिनिक्स आपको प्रोवाइड कराने वाला है MediaTek का WT1820 वाला प्रोसेसर, जो कि यहाँ पर इन्फिनिक्स ने हाल ही में GT10 Pro में भी यूज किया था। और आपने देखा ही होगा कि GT10 Pro स्मार्टफोन प्राइस कितने ज्यादा कम थी, और ये केपेबल है 90 FPS की गेमिंग के लिए। तो यहाँ पर आप 90 FPS की गेमिंग भी इजीली कर पाएंगे इन्फिनिक्स के 030 स्मार्टफोन में। और यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन दोस्तों आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलेगी,
जो एफ एस की 3.1 स्टोरेज जो वो देखने को मिल जाएगी। रैम थोड़ी सी पुरानी यूज की गई है लेकिन स्टोरेज टाइप जो वो एकदम लेटेस्ट यूज किया गया है। और यहाँ पर अगर हम इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन प्राइस की बात करें तो ये आपको करीब 27,000 रुपये के प्राइस में देखने को मिलने वाला है, यानी कि 2,000 रुपये आपको महंगा मिल जाएगा। अब 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पर क्या बेनिफिट होंगे उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको बेटर डिस्प्ले मिल जाएगा, बेटर वीगन लेदर वाला डिजाइन यहाँ पर आपको मिलने वाला है, बेटर सेल्फी कैमरा मिल जाएगा एंड बेटर रियर कैमरा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। चार चार एडवांटेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बैटरी वगैरह की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन सेम बैटरी के साथ आने वाले हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की जो वो दोस्तों बैटरी देखने को मिल जाएगी एंड आईक्यू यहाँ पर सपोर्ट करता है 68W की फास्ट चार्जिंग को एंड यहाँ पर इन्फिनिक्स सपोर्ट करता है 68W की फास्ट चार्जिंग को। तो दोनों में ही चार्जिंग जो बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलने वाली है, चार्जिंग में कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन एक दो दिन के अंतर में लॉन्च होने वाले हैं तो डेफिनेटली आप इतनी जल्दी मत करना किसी भी स्मार्टफोन को प्री ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि आजकल प्री ऑर्डर पर कंपनी जो है ना गिफ्ट कर दे करके यहाँ पर पब्लिक में लालच पैदा करेगी। तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ मत जाना, पहले आप देख लेना कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहने वाला है। मेरे हिसाब से तो अगर आप एक कर्व डिस्प्ले वाला और बेस्ट स्पेसिंग वाला स्मार्टफोन चुन रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इन्फिनिक्स की तरफ जाना चाहिए। इन्फिनिक्स यहाँ पर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, बाकी आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी, आपका पैसा। आप यहाँ पर आईक्यू की तरफ भी जा सकते हैं। आईक्यू का स्मार्टफोन भी ऐसा नहीं है कि काफी बेकार स्मार्टफोन है, काफी तगड़ी स्पेक्स आपको ऑफर कर देता है। बाकी सभी कंपनियों से तो काफी अच्छी स्पेक्स आपको ऑफर देखने को मिल जाती है इसके अंदर में। आपकी क्या राय है वैसे दोनों स्मार्टफोन के बारे में, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर देगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपको ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोजाना देखने को मिलती है। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।